ஹாய், வெல்கம் டு காஃபி அஃபேர். வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும், என் வணக்கம். இது 1984 உருவாகின இடம். இதே இடத்துல தான் என் ஒய்ஃப் கூட மீட் பண்ணேன். அதே ஆண்டில் அந்த ஆண்டு ஏன் ஸ்பெஷல்னா, அந்த ஆண்டில் தான் நான் ஒய்ஃபை மீட் பண்ணேன். இங்கே அவள் ஒரு பஞ்சாபி. இந்த காஃபி கடை எதுக்கு ஸ்பெஷல்னா, எதுக்கு ஃபேமஸ்னா, இந்த கடையில் தான் நிறைய பல பல காதல் கதைகள் உருவான இடம் அது. அதில் ஒரு கதை தான் என்னோடய ஃபேவரெட். அந்த ஃபேவரெட் கதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ பார்க்கலாமா? छोटा सा तो दाग है, हम इसे ड्राई क्लीन करा लेंगे। मेरी शॉप से ड्राई क्लीन करवा देंगे प्लीज। मोहतरमा, आप क्यों तकलीफ करेंगी, हम खुद इसे ड्राई क्लीन करा लेंगे। हमारे यहाँ है ना एक बहुत फेमस आयरन मैन स्टॉक, हम वहाँ से करा लेंगे। आना और कंडीशन, आई बाय योर कॉफी प्लीज। ठीक है, पर अब आप भी माफी नहीं मांगेंगी, ओके? ठीक है। आयरन मैन स्टोर, ये इतना साउथ इंडियन स्टाइल में बोला, तुम साउथ इंडियन है क्या? नहीं नहीं जी, वो तो हमने बस ऐसे ही बोला। वो क्या है ना कि नाम बहुत सोचे रखा है तो बोल दिया। वैसे हम सैयद हैं। हम गायत्री। गायत्री? गायत्री अय्यर जी। हाँ, नहीं हमें सच में नहीं पता था भाई, हम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, What is the opposite of Subramanian Sami? Bolo. Ji, wo to hame nahi pata. Subramanian then Sami. Purida. Kya? Sami then Sami. Samajhe? जी आप तो बहुत मजाकी हैं। आओ तो हम है, तुम हमको उर्दू सिखाएगी, हम तुमको तमिल। जी जी एनीवेज, तुम्हारा शर्ट हम ड्राई क्लीन करा देगा अपना फेमस आयरन मैन स्टोर से। जी अपना मतलब? ओ, हमारा ही स्टोर है। एंड मेरी अम्मा वहां की आयरन लेडी। सॉरी आने में देर हो गई। बताते हैं, जरा कानून रखिए। सही है, तुम ऑलरेडी जानते हो ना हमारा सिचुएशन, फिर भी यू आर टेलिंग मी टू हैव पेशेंस। हमने अब्बू को राजी कर लिया तुमसे मिलने के लिए।
हाँ सच। और तो तुम्हें क्या लगता है हमें ऐसे बैठे होते तुम्हारे सामने? मतलब अरे मतलब ये कि जब हम आज सुबह अबू से तुम्हारे लिए बात कर रहे थे ना, तो वो तो पूरे तैश में आ गए। पता नहीं इतने सारे ताने देने लगे, कहने लगे कि हम खानदान की इज्जत के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और तुम यकीन करोगी अम्मी, अम्मी ने क्या कहा? अम्मी ने अपनी जिंदगी खत्म करने तक की धमकी दे दी। अरे तुम घबराती क्यों हो? और समझाने के बाद हमने अब्बू को राजी किया है कि वो एक बार तुमसे मिलें, तुम्हें देखें कि तुम कितनी नेकदिल इंसान हो, और वो मान गए। पर सैयद मैं अम्मा से कैसे बोलूं? क्यों? देखो कोशिश तो करनी होगी। सॉरी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने इसी कैफे में उससे मिली थी? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। गायु, हमारे दिल में जो बात है ना, शायद आज ये सारी कायनात भी आपको वही इत्तला करना चाहती है। अरे हमारे मन की बात तो हमारी आंखें पहले ही कह चुकी हैं, और आपकी आंखें भी बहुत देर से हमसे सिर्फ एक ही बात कह रही हैं। क्या? वो तो हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। सैयद, तुम ऑलरेडी जानते हो ना मेरी फीलिंग्स के बारे में। क्या तुम भी सेम फील करते हो? गायब, आई लव यू। अच्छा एक बात बताओ। पूछो। तमिलनाडु में रेस कैसे स्टार्ट होता? कैसे स्टार्ट होता? रेडी रेडी। सैयद, मैंने अम्मा से बात कर ली है। सच? बहुत समझ आने के बाद वो मानी है। And you know what? She said कि वो सेम टाइम और सेम जगह पे मिलेंगी, जहाँ हम अपनी स्पेशल कॉफी पीते हैं, द कॉफी अफेयर में। ये इत्तेफाक है या अल्लाह भी यही चाहते हैं? मतलब कि अब्बू ने भी यही बात बोली जब उन्हें हमारी स्पेशल कॉफी के बारे में पता चला। ओह वाओ, सो इट इज कंफर्म्ड दिस थर्सडे एट 5 PM एट द कॉफी शॉप। गायु, आई लव यू। आई लव यू टू सैयद। सी यू, बाय बाय।
गई हो? गायत्री ना काफी वांग पोरे गई माँ सॉरी आई आई यू या खुदा आई एम सो सॉरी मैंने आपको अंदर आते मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि हम फिर से एक कॉफी शॉप पे बैठ के बात कर रहे हैं। 30 साल आज भी मुझे याद है कितनी मोहब्बत किया करते थे हम एक दूसरे से। इतना कि बाग जाने को भी तैयार थे। हाँ ये तो तुम्हारे घर वालों को इसकी खबर लग गई इसलिए हो नहीं पाया। खबर तो लगनी थी ना। खैर वो छोड़ो एक बात बताओ अभी तुम आज भी कतरी कई करी पसंद करते हो क्या? चुप चुप के कहते हो हाँ इप्पो हम तेरे तो भाई ना। नहीं नहीं आप किसी बात कर रहे हैं इसलिए पूरी फैमिली के सामने खाता हूँ। अच्छा और तुम कलेजी मसाला आज भी छुप छुप के खाती हो? और नहीं तो क्या चुप चुप के खाना पड़ता है। वेजिटेरियंस से तुम बिल्कुल नहीं बदली। अच्छा सैरू तुम्हें नहीं लगता वक्त बदल चुका है और हम आज भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो हमारे अब्बू अम्मी ने की थी? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आबे। हम अपने सपनों की सजा जो पूरे भी नहीं हुए अपने बच्चों को क्यों दे? नम्मा पसंगा संतोष मवाल्टा, isn't it? तो ठीक है साहब, हम अगर साथ नहीं हो सके तो क्या हुआ? हम अपने बच्चों के साथ ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। उनकी शादी करा इंशाल्लाह। अभी तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इसी में उनकी खुशी है। और तुम्हें याद है हम दोनों पहली बार कैसे मिले थे? हाँ बिल्कुल आज की तरह एक दूसरे पे कॉफी गिराकर। कॉफी दान अम्मा कादल के कारण सिंपल वाले। हाँ कॉफी से तो कुछ पुराना रिश्ता लगता है और हमारे बच्चे भी ठीक उसी तरह मिले। बस उनकी मंजिल हमारी मंजिल से अलग है और क्या पता इसी बहाने कोई रास्ता मिल जाए अय्यर वुमन के कॉफी हमले से बचने का। रास्ता तो है एक सिंपल सा, अय्यर अन मैन। सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी। दिस हैपेंड वेरी मच हियर। As you see, life is full of colors, like coffee. Coffee has many flavors in it, and so is life. Meet my beautiful wife, Pramila. Nanga engalodu kuda kalapathiram thirumanam dhaan. We have been married for 33 years, and we have enjoyed all the way through. Come, fall in love and get married. Kuch bhi kar lo, pyar hona chahiye, parwah nahi. Cheers. Cheers.